26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। चुनाव में माहौल बनाने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक नेताओं का दौरा तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की। चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सभाएं कर रहे हैं। आज हम खैरागढ़ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के यहाँ पर सभा है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह स्वयं आएंगे और दौरे को लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संतोष पांडे के पक्ष में बात करेंगे। यहाँ हम बात करने के लिए जो छत्तीसगढ़ गृह मंत्री जो विजय शर्मा है उनसे बात करते हैं। भाजपा का संकल्प पत्र आज आया है, यह मोदी की गारंटी है। इसमें भारत समूचा भारतवर्ष विकास की बुलंदियों तक पहुंचे, यह भी निर्धारित किया गया है। तो निचले तबके के हमारे ड्राइवर साथी हैं, हमारे रेवड़ी पट्टी वाले साथी हैं, हमारे पसरा वाले साथी हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, उन साथियों को भी साथ लेकर चलने का कारण। आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह की तैयारी को लेकर के खैरागढ़ पहुंचे हुए हैं, क्या तैयारी है, क्या क्या? अमित शाह जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 370 हटाया, नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल कर दी, भारत में होने वाले आतंकवादी बम धमाकों को खत्म कर दिया, उनका आज खैरागढ़ की धरती में स्वागत। बिल्कुल, यहाँ पर जो है गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान है कि जो छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उत्तरी कार्य किए जा रहे हैं, जो आज संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसको लेकर के जो भारतीय जनता आम लोगों को हित में काफी फायदा होगा और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीत कराएंगे। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ प्रेम निर्मलकर, AM News, जयपुर।